नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। कोरोना की रफ्तार काबू में आ रही है, लेकिन दिन पर दिन कोरोना अपने बहरूपियों को पैदा कर रहा है, जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर अभी तक थमी भी नहीं थी, तब तक में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने जन्म ले लिया। उसके बाद अभी ब्लैक फंगस का खौफ टला भी नहीं था कि व्हाइट फंगस ने भी जन्म ले लिया। बताया जा रहा है कि व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, ब्लैक फंगस से तुरंत बाद अब व्हाइट फंगस का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि बिहार में व्हाइट फंगस के कई मामले सामने आए हैं। हालांकि बिहार के अलावा व्हाइट फंगस के मामले किसी और राज्य में अब तक नहीं मिले हैं। व्हाइट फंगस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फंगस भी कोविड की तरह व्यक्ति के फेफड़ों पर ही अटैक करता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो वो भी कोविड की तरह ही नजर आते हैं, इसलिए कोरोना और व्हाइट फंगस में अंतर कर पाना काफी मुश्किल है। पर जिस तरह ब्लैक फंगस लोगों को शिकार बना रहा है, उसी तरह व्हाइट फंगस भी उन्हीं को चपेट में ले रहा है जिनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है। इसके अलावा डायबिटीज और कैंसर के मरीजों को ये जल्दी अपना शिकार बनाता है। दरअसल हो ये रहा है कि कई मरीजों में कोरोना के लक्षण नजर आए हैं, लेकिन असल में वो कोरोना से ग्रसित नहीं है, बल्कि उन्हें व्हाइट फंगस ने जकड़ लिया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि व्हाइट फंगस सिर्फ युवाओं या उम्र दराज लोगों को अपनी चपेट में नहीं ले रहा, बल्कि बच्चों को भी नहीं बख्श रहा है। नवजात में व्हाइट फंगस डायपर कैंडिडासिस के रूप में चपेट में लेता है, जिसमें ऑफ व्हाइट धब्बे दिखते हैं। छोटे बच्चों में ये ओरल थ्रस्ट करता है, तो वहीं महिलाओं में ये ल्यूकोरिया का मुख्य कारण है। तो अगर आपके दिमाग में इस वीडियो को देखने के बाद कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।